दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि मैंने फ्लेयर का ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आज के दिन मुझे लगता है इसने क्या है, इस लेवल को टच किया और एक ब्रेकआउट भी हुआ है। चलिए उसको अपने डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को देखिए, जब से ये आईपीओ आया है उसके बाद से ये क्या है, डाउन ट्रेंड में था और अभी क्या है, अप ट्रेंड में आया है। चलिए एक लेवल है जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जिसके ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, वो कौन सा लेवल है ये देखिए। ये वाला लेवल जहां से ये देखिए गिरावट आई, उसके बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ इस चीज को आपको नोट करना चाहिए। देखिए इस लाइन के ऊपर जो कौन सा लेवल है, ये देखिए 297 का लेवल है। तो देखिए यहाँ ये डाउन आया, उसके बाद फिर से डाउन आया, यहाँ एक दो तीन चार दिन इसके ऊपर ओपन तो हुआ लेकिन इसकी क्लोजिंग इस लाइन के नीचे हुई। तो अभी पिछले चार दिनों से क्या हो रहा था, ये देखिए इस लाइन को बार 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 टच कर रहा था और आज के दिन इसने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। एक और यदि अपने देखें तो यहां से मुझे क्या है, ये देखिए इस लेवल से लेकर यहां तक का एक ये देखिए ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है और इस ट्रेंड लाइन का अभी भी इसने क्या है रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन इसको आज इसने टच कर लिया है। और यदि आप कंफर्मेशन देखना चाहें तो यहां से ये जो गिरावट आई उसके बाद इसने ये वाला लो बनाया और यहां यदि अपने देखें तो इस लाइन को मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ये देखिए ये क्या है 299.65 का लेवल है और यहां पर क्या है ये 0.6 का भी लेवल है। यदि इस लेवल के ऊपर ये टिकता है कल के दिन आपको इसका प्राइस एक्शन देखना चाहिए कि क्या होता है इसके ऊपर। यदि ये क्लोजिंग देता है तो ये क्या है एक पहला साइन हो जाएगा बुलिश साइन और यहां से ये वाला लेवल जो है, क्योंकि ये वाली लास्ट स्विंग है, यहां से ये गिरावट आई है और आईपीओ भी करीब 302 का ही था और लिस्टिंग इसकी क्या हुई थी 450 के आसपास हुई थी। तो मैं इसके प्राइस एक्शन को तब से नोट कर रहा हूं। तो यदि ये इसके ऊपर क्लोजिंग होती है 303 के आसपास यदि राउंड नंबर कहें तो ये नेक्स्ट जो लेवल है वो आप लोगों को करीब करीब यहां कहीं, क्योंकि यहीं से ये क्या है रुका था और इसी लाइन का रिजेक्शन लिया था। कौन सी लाइन है? ये वाली जो कि 366 का लेवल हो सकता है। यहां से देखिए इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था और ब्रेक करने के बाद इसको रिटेस्ट करने के बाद इसके अंदर ये डाउनफॉल आया है। तो अब यदि ये यहां से बाउंस करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट तक यदि इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो ये आपको 20%, क्योंकि 300 का लेवल है, 300 से 366 जो है ये करीब 20% बनते हैं। तो ये आपको शॉर्ट टर्म में 20% का जो टारगेट है वो दे सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप भी इसके चार्ट को स्टडी कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। और यदि इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे तो बिजनेस इसका जो है डोम्स हालांकि सेक्टर का लीडर है, लेकिन फ्लेयर भी क्या है उसके कंपैरिजन में कम नहीं है। ये आपको सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, क्योंकि आप पी रेशियो देखेंगे दोनों का तो डोम्स का जो है पी हाई चला गया है, लेकिन फ्लेयर का अभी भी आपको रीजनेबल प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है पी उस पर मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूं आज की ये जो जानकारी है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और एजुकेशनल वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।